सो so, गट का लोग समझते हैं कि जस्ट स्टमक इन्वायरमेंट बट राधा ये सिर्फ स्टमक तक लिमिट नहीं है ये इंटस्टाइन है सो वी हैव गुड बैक्टीरियाज़ एंड बैड बैक्टीरिया इन नाइन इंटेस्टाइन दोनों चीज़ें ही होती हैं और वो हमें चाहिए भी ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे वो कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी ऐसी चीज़ें जो है वो रहती हैं तो इनको ट्रीट करने के लिए जो बेस्ट फूड्स हम कंसिडर करते हैं वो होते हैं प्रोबायोटिक्स सो कई लोगों को ये लगता है प्रोबायोटिक हमें सिर्फ सप्लीमेंट से ही मिलता है जबकि हमारी इंडियन किचन में ही बहुत सारे प्रोबायोटिक के सोर्सेज होते हैं सबसे अच्छा सोर्स जो मुझे लगता है बहुत कॉमन है आजकल बच्चे बच्चे को पता होगा कर्ड प्रोबायोटिक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पिकल्स जो है वो बेस्ट प्रोबायोटिक्स होते हैं अचार जो होते हैं मोस्टली लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ जब भी आप अपना लंच करते हो तो उसके साथ जिंजर का अचार जरूर लें सेहतनामा में आज बात प्रोबायोटिक्स कहते बहुत जरूरी है हमें लेने हमारी गट हेल्थ के लिए सो गट क्या है गट की हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं डाइटिशियन लवलीन हमारे साथ है लाइफ कोच है उनसे बात करते हैं बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो आज बात प्रोबायोटिक्स पर सुगठ से कहते हैं रिलेटेड हैं प्रोबायोटिक हमें लेने चाहिए हमारा गट तो गट सबसे पहले गट एक्सप्लेन करिए क्योंकि गट को अक्सर हम पेट से ही कनेक्ट हैं जी जी, जी। सो गट हेल्थ के बारे में आजकल मुझे लग रहा है कि ये सब वर्ड्स हैं वो बज़ वर्ड्स हो गए हैं ना क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इफॉर्मेशन आ चुकी है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लग रही है ये नॉलेज नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं से लोग उस चीज को पिक कर लेते हैं और कंबाइन करके फिर वो हाफ नॉलेज की तरह वो यूज़ होती है सो so, गट का लोग समझते हैं कि जस्ट स्टमक इन्वायरमेंट बट राधा ये सिर्फ स्टमक तक लिमिट नहीं है ये इंटस्टाइन है सो so, इंटस्टाइन में जो भी आपका माइक्रोबायोम है मतलब जो बैक्टीरिया आपके इंटस्टाइन में जो है वो चल रहा है और वहां से आपकी पूरी बॉडी

बॉडी का इन्वायरमेंट क्लीन रखते हैं और आपके गुड बैक्टीरिया का वो फूड बन जाते हैं और वो गुड बैक्टीरिया जब उसको खाते हैं उसको मिलता है वो खुश हो जाते हैं कि वाओ दिस इज समथिंग आई वांट और वहाँ से आपकी बॉडी नरिश करना स्टार्ट कर देती है एंड अल्टीमेटली आपको लगेगा कि अब आप आपको कोई डाइजेशन इश्यूज़ नहीं है आपको ब्लोटिंग नहीं हो रही है बर्पिंग नहीं रहती है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है आपको एसिडिटी नहीं हो रही है बट एक्जैक्टली ये प्रोबायोटिक हमें कहाँ से मिलते हैं सो so, कई लोगों को ये लगता है प्रोबायोटिक हमें सिर्फ सप्लीमेंट से ही मिलता है या हमें डॉक्टर सप्लीमेंट्स देंगे प्रोबायोटिक का तो वहाँ से हमें प्रोबायोटिक कंप्लीट हो जाएगा जबकि हमारी इंडियन किचन में ही बहुत सारे प्रोबायोटिक के सोर्सेज होते हैं सबसे अच्छा सोर्स जो मुझे लगता है बहुत कॉमन है आजकल बच्चे बच्चे को पता होगा कर्ड दही सो so, उसमें जो बैक्टीरिया वो लाइव बैक्टीरिया होता है और वो हमारी गट के लिए बेस्ट कंसिडर करते हैं और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है दही और राइस है ना राइस कर्ड का कॉम्बिनेशन वो बेस्ट प्रोबायोटिक होता है कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं खिचड़ी खा लो और दही के साथ।, साथ तो वो हमारे लिए गट हीलिंग का ही काम करता है सो so, ये कर्ड और कर्ड का किसी भी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए एक हीलिंग प्रोसेस विद प्रोबायोटिक के साथ आता है और एक सबसे अच्छा प्रोबायोटिक जो मैं कंसिडर करूँगी जो लोगों को शायद कम पता होगा दैट इज़ राइस कांजी सो राइस कांजी का क्या मतलब होता है ये हमारी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता है बाकी स्टेट्स में यूज किया जाता है राइस कांची का मतलब होता है जब रात को राइस। है? कैसे उबले, ये राइस, कांजी? जी, उबले हुए राइस को जो है वो आपको रात को आपने एक क्ले पॉट में मिट्टी के बर्तन में या फिर नॉर्मल ग्लास में जो है वो आपने भिगो के रख देना है उतना पानी डाल देना जिसमें उबले हुए राइस वो भीग जाए ठीक है डूब जाए तो वो पूरी रात जो है वो रहेंगे फर्मेंटेशन का काम होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे हमारे लाइव बैक्टीरिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने डाली कड़ी पत्ता डाला और साथ में जिंजर डाल दिया और वो वाला तड़का आप उसके ऊपर डाल सकते हैं हरी, हरी, हरी मिर्ची डाल दी बिल्कुल तो ये वाला जो राइस कट का कॉम्बिनेशन होता है इसमें थोड़ी सी हल्दी हल्दी भी डाल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे के तो राइस कट कॉम्बिनेशन हो जाता है तो सुबह जब आप इसका अगर आप इनटेक लेते हो तो वो आपके गट को हील करने में बहुत हेल्प करता है जिनको आईबीएस का इशू है आईबीडी का इशू है उसके लिए बेस्ट रेमेडी हम कंसिडर करते हैं तो ये जैसे इसको गर्म नहीं करना है नहीं नहीं जिस फॉर्म में ये बिल्कुल है, उसी बिल्कुल में नहीं तो फिर बैक्टीरिया तो मर जाएगा हम कुकिंग नहीं करेंगे आप सिर्फ इसके ऊपर तड़का बिल्कुल लगाना बिल्कुल सो बिल्कुल, so, ये एक अच्छा प्रोबायोटिक और ये सब खा सकते हैं किसी को कोई नहीं, नहीं में बिल्कुल, बनते है और दही खाने का भी सही तरीका बताइए वो मतलब दही कैसे कुछ लोग कहते दही सुबह खाली पेट जीरा डाल के जीरे का जी, पाउडर डाल के और काली मिर्च डाल के खाओ कुछ कहते नमक नहीं डालना चाहिए तो दही खाने का भी सही तरीका बताइए दही समर में भी और विंटर में दही जो है वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली विंटर फूड है समर फूड नहीं है वो क्योंकि दही जो है वो हमारी गर्म तासीर का होता है सो so, जो ठंडी तासीर होती है वो दही से जब हम लस्सी बनाते हैं तो इसीलिए समर्स में हम लस्सी पीते हैं और दही का इंटेक जो है वो विंटर्स में लिया जाता है और बेस्ट टाइम जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है आपका मॉर्निंग वाला टाइम मतलब फ्रेश दही जमा हुआ है जो कि रेफ्रिजरेटेड नहीं है सात घंटे तक अगर आपका वो जो दही जो है पूरे दिन में अगर आप कंज्यूम कर रहे हो विदाउट रेफ्रिजरेशन तो उसका जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत अच्छा रहता है रेफ्रिजरेटेड दही जो होता है उसका बैक्टीरिया का लेवल उतना हाई नहीं रहेगा जितना फ्रेश फॉर्म में आपको मिलेगा और के केसेस में मुझे मुझे बहुत ही क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रात को दही लेना चाहिए डिनर हाँ। के टाइम पे उससे म्यूकस तो नहीं हो जाएगा या साइनस हाँ। तो नहीं हो जाएगा कफ बनती, कौ, बनती है तो क्या उन्हें दही तो नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचाता इसका भी तरीका है अगर तो आप अपना डिनर सिक्स थर्टी सेवन ओ क्लॉक सनसेट के आसपास करते हो सो नथिंग टू वरी आप उस टाइम पे अपना दही का इंटेक जैसे राइस और दाल और साथ में थोड़ा दही लेना चाहते हो दैट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि तब तक आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेशन का टाइम मिल रहा है और रात को सोने से पहले आपने उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लिया हुआ है लेकिन अगर आपका लेट नाइट डिनर्स चल रहा है रहे दैट इज समथिंग दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग दैट इन्वायरमेंट जहाँ पर आपके लाइफ बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं सो वो राइट टाइम नहीं है और अगर किसी को अगर म्यूकस है या साइनस का इशू है तो

जो है वो बेस्ट प्रोबायोटिक्स होते हैं अचार जो होते हैं और से? जैसे कि हमारा गाजर और ये गोभी का का शलगम अचार बिल्कुल वो हमारा बेस्ट प्रोबायोटिक होता है इनफैक्ट अगर हम बात करें मोस्टली लोगों को मैं रिकमेंड करती जब भी आप अपना लंच करते हो तो उसके साथ जिंजर का अचार जरूर लें तो जिंजर को आपने सिर्फ लेमन स्क्वीज कर दिया उसमें ब्लैक सॉल्ट डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा एंड कंज्यूम इट विद योर मील तो वो भी एक तरह का प्रोबायोटिक का ही काम करता है बाहर के जो लोग होते हैं वो कंबुजा खफीर किमची इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं जो कि कैबेज का पिकल है या जिनमें वेजिटेबल्स को फर्मेंट किया होता है तो हमारे इंडिया में तो बनते ही ऐसे अचार हैं तो जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ अगर आजकल तो करेले का अचार हो गया या फिर हम ये आम का अचार तो चलो हमारा चलता ही है नींबू का है तो ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रोबायोटिक का काम करती हैं बट इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी ये नहीं कि ये प्रोबायोटिक है तो हम ज़्यादा खाते हैं और उसी प्रोबायोटिक का मतलब है कि हम इसको

डाइट में शामिल करें प्रोबायोटिक्स के लिए प्रोबायोटिक्स मेजरली हमारी दही के ही प्रोडक्ट से बन जाता है जैसे कि लस्सी का इंटेक हम कहते हैं तो अगर आप हेयर फॉल के बारे में हम बात करें तो दही के साथ फ्लैक्सिट को अगर लिया जाए तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होता है समर्स के टाइम पे अगर आप लस्सी यूज़ करो तो वो भी प्रोबायोटिक का ही काम करेगा

जो कि हमें रिक्वायर्ड है